बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान मंसूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ओके। मेरे ये जो हालत है जो आपकी मेरी बनी हुई है, इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि मैं इस वक्त नथिया गली बल्कि डोंगा गली में एग्जैक्टली बैठा हुआ हूँ और मैं इधर कैसे पहुँचा वो आप ज़रा कल के क्लिप्स देख लें, फिर आगे बताता हूँ। हमने सुबह 3 बजे निकलना था बट आँखें खुली तो हम लेट हो गए और हम लोग 5:30 बजे के करीब निकले। प्लान ये था कि हम लोग रिंग रोड से जाएंगे सियालकोट मोटरवे वाला जो बाईपास है उधर से हम लोग काला शकाकू के ऊपर जो है जाके उतरेंगे। और हमने प्लान ये किया कि हम लोग जीटी रोड से जाएंगे क्योंकि सुबह जाके मीटिंग थी जो एक अटेंड करनी थी और वो जिस जगह पे जाना था वो जीटी रोड से करीब पड़ती थी, अगर मोटरवे से आता तो पूरा इस्लामाबाद फिर के आना पड़ता। हम लोगों ने लाला मूसा सिर्फ रुके वॉशरूम के लिए और वहाँ से उनकी मियाँ जी की दाल ख़रीदी के ऊपर अगर गए डोंगा गली तो उधर खाएँगे। 3 बजे तकरीबन फ्री हुए हम लोग मीटिंग से और फिर हम लोगों ने मरी एक्सप्रेस हाईवे से डोंगा गली की तरफ फेस किया। हम लोग तकरीबन 3 बजे निकले और रफली 5:30-5:30 बजे आराम आराम से जाते हुए हम लोग पहुंच गए डोंगा गली। जी हाँ, तो इस वक्त मैं डोंगा गली में हूँ। सीन ये था कि मुझे ऑफिस का काम था, उसके लिए मुझे इस्लामाबाद आना था, तो मैंने अपनी फैमिली से कहा, बेगम अच्छे से कि यार चलो तुम लोग भी चलो, आगे वीकेंड ही है तो 2 रातें थोड़ा रिलैक्स करके आते हैं, सिर्फ जाके होटल में बैठ जाएंगे, सुकून करेंगे। तो हम लोगों ने डोंगा गली सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे कल शाम को पहुँचे हैं और ठंड काफ़ी है और सुबह से बारिश हो रही है और आप मेरे रूम के बाहर देख सकते हैं कि क्या है, तो सीन्स चेक करें। ये हमारा होटल का एरिया जहाँ पे रूम्स वगैरह है, हमारा बिल्कुल लास्ट रूम है। इस वक्त ये माहौल बना हुआ है डोंगा गली में, जस्ट 10 मिनट्स बिफोर नथिया गली है। तो सीन ये है कि जो होटल हमने लिया इसका नाम है मुक्शपुरी होटल और यहाँ से मुक्शपुरी का ट्रैक भी स्टार्ट होता है। तो हमें रूम मिला है 5000 पर नाइट के हिसाब से और विच इज़ ये ऑफ सीज़न रेट है। और सामने जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली होटल जल गया था तो अब ये लोग फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। बारिश होने की वजह से मैं आपको उस साइड से व्यूज़ नहीं दिखा सक रहा हूँ। तो बेसिकली आइडिया ये था कि बस चिलिंग करेंगे चल के और मिनिमम से बजट के अंदर जो है ना हम लोग एक अच्छा वीकेंड गुजार लेंगे। तो हमें 2 नाइट्स का ये 10,000 पड़ रहा है रूम का और इसकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने हीटर्स भी दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हैं और गर्म पानी 24/7 इनमें अवेलेबल है और रूम्स भी ठीक हैं। मैं आपको रूम भी कोशिश करूँगा दिखाने की। और दूसरा ये है कि हम लोग लाहौर से सीधा आए हैं, फ्यूल का खर्चा और थोड़ा सा खाने का, और इनका मेन्यू इतना में जो रेट्स हैं वो भी इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं जो नॉर्मली इन गलियों में इन गलियात में आपको होटल्स में मिलते हैं। तो अदरवाइज़ गुड है, अच्छा वीकेंड गुज़र गया। मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो भी इस पर बना लेते हैं, आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। मेरे पास ऑप्शन एयरबीएनबी का भी था बट आई वांटेड अ प्लेस जिसमें ना सामने ग्राउंड हो ताकि बच्चे जो है ना खेल सकें, आराम से खेल कूद सकें, तो इस वजह से हमने इसको प्रेफर किया और बेहतरीन है। और आप मज़ीद चेक करें। इस वक्त बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं और साथ बारिश भी हो रही है और ये बारिश सुबह से हो रही है। तो हमने इधर ही कॉरिडोर में बैठ के नाश्ता भी किया बेहतरीन किस्म का और व्यूज़ भी इंजॉय किए और ठंड वाकई बहुत ज़्यादा ठंड है बट मज़ा भी आ रहा है क्योंकि आगे इवेंचुअली हमने लाहौर में तो गर्मी खानी है। तो अभी फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर रूम का मैं विज़िट करा सकूं क्योंकि फैमिली है, तो इस वजह से अगर हो सका तो मैं आपको रूम का भी बता दूंगा। वैसे 2 बेड का हम लोगों को पड़ा है। इनका फिट बात यह है कि इनके जो रूम्स हैं उसमें एक लाउंज है जिसके अंदर सोफ़ा कम बेड भी पड़ा हुआ है, तो एक और बंदा भी आपके साथ वहाँ पे रह सकता है।
और साथ टेबल वगैरह सारा कुछ। फिर मेन बेडरूम है जिसके अंदर टू बेड्स लगे हुए हैं, टीवी वगैरह, बट केबल नहीं आती है। वॉशरूम के वॉशरूम भी अच्छा खासा बड़ा है और उसमें गर्म पानी, इंग्लिश सीट वगैरह। और उन्होंने अभी ये रिसेंटली इन्होंने जो है ना ये सारे अपने रूम्स जो है ना रेनोवेट भी किए हैं, पेंट शेंट और नई वॉशरूम को भी नए फिक्स्चर्स वगैरह लगाए हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में ओके एक्सपीरियंस था। मुझे इससे सस्ते ऑप्शंस भी मिल रहे थे, बट देन अगेन मैं थोड़ा सा चाह रहा था जो रश से दूर हो और सुकून दे हो, इस वजह से मैंने ये ऑप्ट किया। तो अगर मौका मिला मैं आपको रूम्स दिखाऊंगा, अदरवाइज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आई गेस। तो सुबह मैं आपको वैसे एक छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा जो नॉर्मली लोगों ने आई श्योर देखी भी होगी, लोंगा गली को वाटर कहाँ से मिलता है, वो रिजर्वायर है। तो सुबह जाने से पहले आपको मैं दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोगों का आखिरी दिन है और आज हम वापस लौट ट्रैवल करेंगे। तो उस बारिश रुकी है फाइनली थोड़ी सी, तो मैंने कहा मैं आपको बाकी की जगह होटल की दिखा दूं। सो ये सामने बिल्डिंग जब से मैंने बताया था कि ये जल गई थी और अब ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये इनका लॉन टाइप है, यहाँ से आपको अच्छा कंप्लीट व्यू आता है। वीडियो में थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ इस वजह से। और इस वक्त ठंड तो है, हल्के ये हल्की हवा चल रही है ठंडी, मगर मज़ेदार सी है। ये बॉनफायर की भी इन्होंने जगह बनाई है। अच्छा, हम लोग अपने ना अंगीठी वगैरह लेके आए थे, तो हम लोगों ने बारबेक्यू भी किया था रात को, अपना ही सारी सामान लेके आए थे, तो बड़ा मज़ा आया था। इनका नाश्ता वगैरह इज़ ओके, इनका जो खाना था ना, हमने फिर एक रात हमने इनसे ऑर्डर किया, वो मुझे कुछ इतना मज़ेदार नहीं लगा। आई वुड रिकमेंड कि आप दाल रोटी वगैरह इनकी खा लें, दैट इज़ बेटर। अभी बस बिल्कुल जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो जो वाटर रिजर्वायर वगैरह वाला सीन है ना, मुझे तो अच्छा लगता है। यानी ह्यूज किस्म के टैंक्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये नीचे डोंगा गली का बाज़ार है और ये बाकी ये रेस्ट हाउसेस भी हैं, होटल्स भी हैं, ये सारा सीन है। तो ये है वो रिजर्वायर जिसका जिक्र कर रहा था, ये दो तीन है, सबसे बड़ा ये वाला है, फिर वो दो भी हैं और पीछे पता नहीं गेस्ट हाउस है, घर है, क्या है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। बिल्कुल होटल से 2 मिनट की वॉक पे है। ये रोड नीचे वो होटल को जा रही है, यही ऊपर आप मुक्शपुरी की तरफ भी जा सकते हैं और इधर आपको फ्लैट्स और घर भी मिल जाएंगे एयरबीएनबी के थ्रू अगर फैमिली बड़ी है। तो ये सीन है, अब चलते हैं वापस लाहौर। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।